Bro, please make a video on Mark 3, explain it and why Mark 3 is not used in future. Thanks bhai, सबसे पहले तो टॉपिक सजेस्ट करने के लिए. तो Mark 3, टोनी स्टार्क का बना एक लेजेंडरी सूट था, क्योंकि ना तो सिर्फ इसे कॉमिक का रेड येलो कलर दिया गया, लेकिन साथ में ये पहला आर्मर था जिसे टोनी ने इंसानियत के लिए यूज किया. ये आर्मर एक अपग्रेड था मार्क 2 का, क्योंकि मार्क 2 में फ्रीजिंग प्रॉब्लम्स थी. लेकिन मार्क 3 गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना है, जो आपको पीरियोडिक टेबल में देखने नहीं मिलेगा. ये आर्मर सुपरसोनिक स्पीड यानी फाइटर जेट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और एक फाइटर जेट करीब 7200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है सिर्फ एक घंटे में. इस सूट के रिपल्सर टोनी के हाथ के जेस्चर पर काम करते हैं, जिसे इस सीन में टोनी अपने हाथ के जेस्चर को परफॉर्म करता है, तब रिपल्सर ग्लो करना बंद कर देता है, और यही रिपल्सर टोनी को मदद करते हैं हवा में उड़ने के लिए. मार्क 3 में है शोल्डर मिसाइल, जो इंसानों की जान लेने के लिए काफ़ी है. मिनी मिसाइल, जो एक मिलिट्री टैंक को डिस्ट्रॉय कर दी. रिपल्सर, जो उड़ने के लिए और एनिमीज पर फायर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है. स्ट्रेंथ, जिससे वो कार को आराम से लिफ्ट कर सकता है. अब ये एक सेडान कार थी, और सेडान कार का वजन करीब 1000 किलोग्राम होता है कम से कम. तो हाँ, मार्क 3 इतना कैपेबल है कि वो आराम से 1000 kg को लिफ्ट कर सकता है. फ्लाइंग एबिलिटी, जिसमें फ्रीजिंग प्रॉब्लम नहीं है. ड्यूरेबिलिटी तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि टोनी ने इस आर्मर में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हिट्स खाए थे. और यूनिबीम, जो कि ज़्यादा पावरफुल नहीं थी क्योंकि आर्क रिएक्टर की एनर्जी पहले से कम थी. और एक बैकअप वेपन, जो टोनी तब यूज़ कर सकता है जब उस पर पीछे से अटैक हो या किसी वजह से वो अपने बॉडी को मूव ना कर पाए, और इसके बाद ये सूट खराब हो गया. लेकिन जार्विस को हम कैसे भूल सकते हैं. इस सूट में जार्विस टोनी को सिचुएशन का एनालाइज करके गाइड करता है, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप ये जार्विस वर्सेस फ्राइडे वीडियो देख सकते हो. और इस सूट में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है. लेकिन अगर बात करें कि टोनी ने क्यों इस सूट को वापस यूज नहीं किया, तो इसका आंसर है कि फाइट के बाद टोनी ने मार्क 3 को वापस रिपेयर किया था, लेकिन इस आर्मर में काफी ज्यादा लिमिटेशन थी. जिसे टोनी को इस आर्मर को सूट अप करना हो तो उसे अपने लैब में जाना पड़ेगा, और सेम जब उसे सूट निकालना हो, और बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस आर्मर को बॉडी से उतारना लगभग इम्पॉसिबल है. ऊपर से ये सूट बाकी सूट की तरह कॉम्पैक्ट नहीं था, और ना ही ये सूट टोनी के पास खुद होकर आता था. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोनी इस आर्मर को रिपेयर करता या नहीं, लेकिन वो उसे वापस कभी यूज ही नहीं करता. लेकिन आयरन मैन 3 के फाइनल बैटल में हम सब देख चुके हैं कि टोनी ने अपने खुद की एक आर्मी बना दी थी, और वो सूट इतने एडवांस थे कि मार्क 3 उनके सामने बच्चा लगेगा. लेकिन जब टोनी के मेंशन पर अटैक हुआ, तब मार्क 3 वही डिस्ट्रॉय हो गया. अब मुझे पता है ये वीडियो छोटी है, लेकिन मार्क 3 के बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए भी नहीं है. लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही था. मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में. तब तक अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. और अगली वीडियो हमारी ब्लैक पैंथर वर्सेस आयरन मैन पर होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो. तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में. तब तक गुड बाय.